In this question, we have to find the value of the definite integral from 0 to pi by 4 sin x plus cos x minus 1 upon 2 sin x cos x dx. तो हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1/2 कॉमन ले लें तो 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 के इक्वल. साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स. तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 sec x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 tan ऑफ x बाई 2 और cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 dx, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में होता है. तो ये आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 sec x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 tan ऑफ, इसको 1/4 इसको 2 ले लेते हैं, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 dx. अब इसको हम i के इक्वल ले लेते हैं, ये है i1 और ये है i2. अगर हम i2 पहले सॉल्व करें तो हमें गिवन है 0 से पाई बाई 4 2 tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dx. अब अगर हम tan ऑफ x बाई 2 को t लें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt. और अगर लिमिट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 tan ऑफ पाई बाई 8 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ dt. तो 2 कॉमन ले लेते तो 0 से लेके tan ऑफ पाई बाई 8 इंटू 2t अपॉन 1 माइनस t इंटू 1 प्लस t dt, दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम tan ऑफ पाई बाई 8. 2t को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी माइनस ऑफ 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी अप इंटू 1 प्लस टी dt. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू tan पाई बाई 8 1 प्लस, अगर सेपरेट कर ले तो dt अपॉन 1 माइनस टी माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम tan ऑफ पाई बाई 8 dt अपॉन 1 प्लस टी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ln 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t फ्रॉम 0 टू tan ऑफ पाई बाई 8. अब अगर हम लिमिट्स रख दें तो हमें मिलेगा i2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ln 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan ऑफ पाई बाई 8. और यहाँ पे 0 रखने पे 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ पाई बाई 8, दैट इज ट्वाइस ऑफ ln tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan पाई बाई 8. और हमें पता है tan पाई बाई 8 की वैल्यू होती है रूट 2 माइनस 1, से यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि tan i2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट 2 माइनस 1. तो ये हो गया हमारा i2 का वैल्यू. अब अगर हम देखें i1, तो i1 है हमारे पास ln ऑफ 0 टू पाई बाई 4 sec x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 sec x dx. तो ये हो जाएगा ln ऑफ sec x प्लस tan x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4,
दैट इज ln ऑफ sec पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस ln ऑफ sec 0 प्लस tan 0। अब अगर हम देखें sec ऑफ पाई बाई 4 होता है ln रूट 2, ये आ जाएगा। सॉरी, हमसे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ln tan ऑफ पाई बाई 8, और हमें पता है पाई बाई 8 की वैल्यू होती है रूट 2 माइनस 1, तो हो जाएगा आई टू इज इक्वल टू ट्वाइस ln ऑफ रूट 2 माइनस 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई टू। अब हम वापस आई वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 0। तो हमारे पास आएगा कि आई वन इज इक्वल टू ln ऑफ रूट 2 प्लस 1, तो ये आ गया ln ऑफ आई वन की वैल्यू। अब हमें आई निकालना है, तो आई इज हाफ आई वन माइनस 1/4 आई टू, दैट मीन्स 1/2 ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू ट्वाइस ऑफ ln रूट 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, अगर हाफ कॉमन ले ले तो हाफ रूट 2 प्लस 1 माइनस 1/2 ln ऑफ रूट 2 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।